चलिए बेटा, आज हमने वही सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज जो है 7.2 इंटीग्रेशन की कंटिन्यू करनी है। और वहां पर बेटा हमने क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 18 तक कर लिए थे। इफ एनी डाउट इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने 3-4 होमवर्क में दिए थे, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी। ओके, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ 19th क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 19th पे। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट दैट क्वेश्चन इज, इंटेग्रल ई पावर 2x-1 ओवर ई पावर 2x+1 dx। अब बेटा इन क्वेश्चंस को देखते ही ना, ई पावर वाले क्वेश्चंस को हमेशा मेरे माइंड में एक ही चीज रहती है, जो नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करना। और वो तभी होता है क्योंकि अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूं तो मेरे पास जो है ई पावर 2x(2) आएगा, बट ऊपर -1 भी होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, तो दोनों दोनों टर्म्स ई पावर एक्स वाली बना, उसका बेनिफिट क्या हो जाता है हमारे पास कि ऊपर डेरिवेटिव जो है एडजस्ट हो जाता है नीचे वाले का। मतलब मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ई पावर -x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, ई पावर -x के साथ मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, या न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में ई पावर -x के साथ मल्टीप्लाई, कुछ भी कहते हैं। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी, जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पर e पावर x हो गया, यहाँ e पावर -x हो गया। ओके, ओवर यहाँ पर e पावर x हो गया, यहाँ e पावर -x हो गया। अब देखिए क्लियर कट है, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट हो रहा है। अब देख लीजिए e पावर x प्लस e पावर -x का डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं डेरिवेटिव लू ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, ई पावर -x का डेरिवेटिव माइनस ई पावर -x आएगा। देखो ऊपर एडजस्ट हो रहा है ना, मैंने या तो सब्स्टिट्यूट कर लो, पुट करके कर लो कि आप डिनोमिनेटर वाली टर्म को टी पुट कर लो, या मैंने आपको डायरेक्टली भी बताया था अगर डेरिवेटिव ऊपर है नीचे फंक्शन है तो बेटा हम सीधा इंटेग्रल लगा सकते हैं लॉग मॉड फंक्शन प्लस सी। अब मैंने ये बता दिया कि नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो मैं सीधा ये फंक्शन लगा सकती हूँ और इसका इंटेग्रल का आंसर क्या आएगा, लॉग मॉड ई पावर एक्स प्लस ई पावर -x+c। ओके बेटा जी, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो। आप नीचे वाली टर्म को टी पुट कीजिए, ऊपर वाला डेरिवेटिव हो जाएगा तो मेरे पास इंटेग्रल 1/t आएगा, और 1/t का इंटेग्रल लॉग मॉड टी होता है, टी को वापस रिप्लेस कर दो। क्लियर बेटा, सबको बात समझ आ गई? चलो बेटा आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मेरे पास है वो भी ऐसे ही है, ई पावर एक्स वाले, ई पावर एक्स वाले को तो मेरे को देख के याद आ जाता है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट लगाना है। अब देखिए 20th क्वेश्चन में मेरे पास इंटेग्रल ई पावर 2x-e पावर -2x ओवर ई पावर 2x+e पावर -2x। क्लियर कट। अब मैं देखूं तो मेरे को डेरिवेटिव लेना है, अब मैं अगर डेरिवेटिव लू मेरे पास तो क्या बनेगा, ई पावर 2x+e पावर -2x का डेरिवेटिव लिया, 2e पावर 2x मेरे पास, ठीक है, -2e पावर -2x, 2 कॉमन ले लो, e पावर 2x-e पावर -2x, ये 2 एक्स्ट्रा मुझे चाहिए, मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते। देखिए सेम बन गया ना, कांस्टेंट को बाहर और अंदर कर सकती हूँ, वेरिएबल हो तो वो अंदर ही एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ई पावर एक्स को तो देखते ही मेरे दिमाग में यही चीज आता है, प्रोवाइडेड ई पावर एक्स के साथ कोई और टर्म ना पड़ी हो।
एक अलग और भी फॉर्मूला है हमारे पास ई पावर एक्स के साथ कोई फंक्शन वाला, वो भी आपको बताऊंगा। ओके जी, तो अब मैंने क्या किया, सिंपल फंक्शन नीचे उसका डेरिवेटिव ऊपर, मैं तो सीधा ही लॉग मॉड फंक्शन का लिखूंगी प्लस सी, बस साइड पे फॉर्मूला लिख दीजिए जो भी आप यूज कर रहे। बात समझ आई बेटा सबको? क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट टू एनी वन, प्लीज जस्ट रेज योर हैंड टू आस्क मी एनी डाउट। सबको क्लियर है? कोई रिस्पांस नहीं, नो रिस्पांस फ्रॉम प्लस टू सी। ओके चलिए, नाउ कम टू 21st क्वेश्चन। चलिए बताइए, हु विल ट्राई दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 21st, इंटेग्रल टैन स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, कोई बता सकता है इसको कैसे करें? एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड? हाँ जी अपूर्व, ओके कनुभा, यस बेटा, यस कनुभा, सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, बिल्कुल कर देंगे इसको। बिल्कुल, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि अगर मेरे पास टेन स्क्वायर या कॉट स्क्वायर को तो ऑलवेज यूज आइडेंटिटी, अगर आपको याद हो तो मेरे दिमाग में सीधा ही आ गया कि टेन स्क्वायर है तो मैं क्या करूं, आइडेंटिटी लगाऊं, कौन सी जो टेंथ में की थी, 1 + tan² θ इक्वल टू sec² θ, तो यहां से टेन स्क्वायर ही sec² θ माइनस 1, तो मैंने यहां पर क्या किया, इंटेग्रल sec² 2x - 3 और साथ में -1, ये आ गया। अब इंटेग्रल अलग अलग हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल मेरे पास जो है क्या होता है, टेन होता, टेन एक्स ही है ना, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, 2x - 3 है, तो दैट मीन्स टेन 2x - 3 ओवर 2। क्यों ओवर 2 लगाया? क्योंकि एक्स के आगे कोफिशियंट 2 है तो मैंने वो 2 लगा दी। ओके, और यहाँ 1 का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स, तो मेरे पास तो है, लेट अस राइट टेन 2x - 3/2 - x + एनी डाउट टू एनी वन? सबको पता चल गया बेटा कैसे किया? बस मेरे दिमाग में रूल्स है, मैं आपको बार बार कह रही हूं, मैंने देखते ही टेन स्क्वायर, अच्छा जी टेन स्क्वायर गए तो मैं क्या करूंगी, आइडेंटिटी लगाऊंगी। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी 22 क्वेश्चन में, वेरी इजी, सीधा ही सेकेंड स्क्वायर है, कुछ भी नहीं करना हमने, सेकेंड स्क्वायर का तो सीधा ही इंटीग्रल आता है ना, सेकेंड स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, बट यहाँ एक्स नहीं है, कोई और लीनियर फंक्शन है, तो जो लीनियर फंक्शन होता है क्या करते हैं, एक्स का जो कॉफिशियंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो कर दो, मेरे पास जो है सिंपल टेन 7 - 4x - 4 + ये लगाना बहुत जरूरी, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना, इट इज अप टू यू। ठीक है बेटा जी, चले आगे, चलिए नेक्स्ट मेरे पास जो है 23rd क्वेश्चन, इंटेग्रल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - x² dx, क्या करें, व्हाट वी विल डू, जल्दी 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 बताइए क्या करेंगे यहां पर, बहुत इजी से, कोई बता सकते हैं? हाँ जी, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता चल रहा है यहां पर? यस रसिका, यस बेटा, हम फंक्शन ओवर डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोबारा बोलिए क्या कह रहे हो? हम फंक्शन ओवर डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओवर डेरिवेटिव नहीं है बेटा, यही गलती होती है,
साथ में डेरिवेटिव है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का ये स्कन होगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स के होता है, ये स्कन होगा। साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर देंगे। बिल्कुल, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। आप साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर दीजिए, उसका डेरिवेटिव साथ में एडजस्ट हो जाएगा। मैं दोनों करके बताती हूँ। अगर मैंने पुट किया साइन इनवर्स एक्स को टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। तो मेरे पास इस सारे की जगह पे क्या आ गया, डी टी आ गया, और इसकी जगह पे टी आ गया रसिका। तो मेरे पास आई जो है लेट इट बी आए, तो क्या बन गया टी डी टी। तो ये टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी, और टी को रिप्लेस कर दो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। आपने ये सोचा ना, कनुबा ने ये सोचा, मैं बिना सब्स्टिट्यूशन के भी मेरे दिमाग में आ रहा था। अगर आपको याद हो, मैंने जब आपको एक ये फंक्शन करवाया था कि इंटेग्रल एफ डैश एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स हो तो लॉग होता है, और एक मैंने ये भी कराया था कि अगर फंक्शन की पावर एन हो साथ में डेरिवेटिव हो, है ना, तो मेरा फंक्शन की पावर एक इंक्रीज हो जाती है ओवर द सेम पावर प्लस सी। अब इमेजिन कीजिए, देखिए, क्योंकि शॉर्टकट्स भी हमें पता होने चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूले, ठीक है, इट सेव्स आवर टाइम। ये फंक्शन मैंने लिखा, फंक्शन साथ में इसका डेरिवेटिव मैंने ऐसे लिखा, इस फंक्शन की पावर कुछ नहीं है तो पावर वन होगी। देखिए, फंक्शन एन पावर साथ में उसका डेरिवेटिव, तो क्या बनता है मेरे पास, पावर एक इंक्रीज हो जाती है ओवर द सेम प्लस सी। यही वाला यूज किया मैंने एक ही लाइन में करते, ये ना भी करते आप इसके बाद सीधा भी लिख सकते हो, वो तो सब आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज की। बात समझ आई बेटा सबको, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लियर टू एवरीवन। हां जी, प्रभनूर, अपूर, तेगवीर, दमन, ओके, चलिए नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं दोनों दोनों मेथड्स इसीलिए करवा रही हूं कि कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में ये पार्ट बीच में बन के आता है, तो तब हमें होता है कि हम कम से कम सब्स्टिट्यूशन करें और डायरेक्ट फॉर्मूले बनाए, दैट्स व्हाई, और कोई बात नहीं। ठीक है, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास हो गए 24th, इंटेग्रल 2 cos x माइनस 3 sin x ओवर, मेरे पास हो गए 6 cos x प्लस 4 sin x dx। देखिए अब बताइए क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक हम जितनी कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन, डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे फंक्शन है, डेरिवेटिव साथ है, तो वही वाले करने है ना, और तो कुछ नहीं लग रहा हमारा इसमें, सोच सकते हो कोई। हाँ जी, हरनूर, राणा, यस प्रभनूर, यस बेटा, यस मैम, बेटा में टू कॉमन ले लेंगे, फिर वो नीचे फंक्शन बन जाएगा, ऊपर डेरिवेटिव होगा। बिल्कुल करेक्ट बेटा, बिल्कुल करेक्ट। जो ये हम टू कॉमन ले लें तो 1/2 टू कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स ओवर 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये बना। ठीक है, क्लियर कट है। अगर मैं इसको फंक्शन लेती हूँ एफ ऑफ एक्स 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव लू, तो मेरे पास जो है कॉस का डेरिवेटिव जो है मेरे पास साइन एक्स विद नेगेटिव साइन, ठीक है, और प्लस 2 ये कॉस एक्स है। तो क्लियर कट, देखिए ऊपर बन गया, ऐसे बन रहा है ना, तो फंक्शन नीचे, ठीक है, उसका डेरिवेटिव ऊपर, तो हमारे पास क्या होता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस, ओके जी। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड, मेरे पास हो गए 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस, ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, तब भी करके देख लीजिए, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए लेट अस डू द 25th क्वेश्चन बेटा। पहले एनसीईआरटी करो ना, फिर डिफरेंट बुक में से क्वेश्चन करो, तो आपको ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, 25th क्वेश्चन देखिए। 25th, इंटेग्रल 1/cos²x, ठीक है, 1 - tan²। अब देखते ही ना, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं भी अपने माइंड में सोच रही हूँ ना, देखते मेरे दिमाग में एक ही चीज स्ट्राइक की, अरे टैन है ना, किसी तरह मैं सेकंड स्केयर बना दूं तो मैं टैन को पुट कर दूंगी तो मेरा हो जाएगा। तो मुझे क्लियर कट पता चला, 1 + cos² को मैं सेकंड स्केयर एक्स लिखूं, 1 - tan² का स्केयर ऐसे रहने दूं। ये देखिए, अब आपकी मर्जी है, दो मेथड से कर सकते हो। एक मेरे पास, या तो सब्स्टिट्यूट कर दो, दूसरा एडजस्टमेंट करो। मैं इसको ऊपर लेके जा सकती हूँ, मैं इसको ऊपर लेके जा सकती हूँ। कैसे? मैं एडजस्टमेंट में प्रेफर करती हूँ ऐसे, पहले मैं इसको लिख रही हूँ, फिर एक सीक्वेंस वाइज ऐसे, और सीक्वेंस स्क्वायर एक्स डीएक्स। उसका बेनिफिट क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये फंक्शन उसकी पावर एन, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लू, 1 - tan² का डेरिवेटिव माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स है ना, क्योंकि 1 का 0 माइनस था, तो ये मुझे माइनस साथ में चाहिए, मैंने माइनस यहां लगाया और माइनस बाहर लगा दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोई बता सकता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ जी, जल्दी बताइए, सोचिए, मैंने कौन से की एडजस्टमेंट की यहां पर? जस्ट रेज योर हैंड। समयंक, चंदन, फतेह, काक्षी, हाँ जी, कौन बता सकते हैं? हैंड रेज करो, तभी मैं अनम्यूट करूंगी। हाँ जी, किसी को नहीं पता चला कौन सा फॉर्मूला मैंने यू? यस सुहानी, यस बेटा, फंक्शन इनटू इसका डेरिवेटिव, तो fx की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बिल्कुल करेक्ट, फंक्शन की पावर n साथ में उसका डेरिवेटिव, तो बेटा पावर जो है कि इंक्रीज हो जाएगी, ओके, ओवर द सेम पावर, वो माइनस 1 नहीं रहेगी, प्लस सी, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो, बात ही खत्म, टेंशन ही फ्री। ओके बेटा, क्लियर? आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो, मैं बार बार ये अरेंजमेंट आपको इसीलिए बताती हूँ, एडजस्टमेंट इसीलिए बताती हूँ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में जब पार्ट बन के आता है ना, तो तब बच्चों को थोड़ा समझ कम आती है, फिर तो अभी से एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाए। ओके जी, क्लियर? चलिए, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ईजी है मेरे पास 26th क्वेश्चन, वो तो देख के ही पता चल रहा है कि क्या करना है। मैं बार बार ये बच्चों को कहती हूँ कि ये माइंड में रखिए कि अगर टी रेशियोज के बीच में कुछ है ना, लॉग के अंदर कुछ है, टी की पावर में कुछ ऐसा है जिसका सीधा इंटीग्रल हमें नहीं पता, उसको टी पुट कर दो, तो ये देख के मुझे पता चल रहा है, क्या करें इसमें? हाँ जी, सक्षम शर्मा, राघव, हाँ जी राघव, राघव क्या करें इसको? हाँ जी, और कोई बच्चा? हरनूर, हरनूर बेटा, ओके काक्षी, यस बेटा, बताइए बेटा। मैम, रूट एक्स को टी पुट कर देंगे। बिल्कुल करेक्ट, रूट एक्स को टी पुट कीजिए आराम से, जो है इसका डेरिवेटिव लोगे तो 1/2 रूट एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो डीएक्स बाय रूट टू, देखो मैंने रूट एक्स जो है 2 dt, क्योंकि मेरे पास तो डीएक्स बाय रूट एक्स था, तो मैंने 2 बाहर लिया और टी और डी टी, तो 2t² / 2 + c।
ओके, और टी की वैल्यू मैंने क्या ली थी, दैट इज, ओ मैंने गड़बड़ी कर दी, कॉस तो भूल ही गया हूं। देखो जरा, हमने सिर्फ रूट एक्स को किया था, कॉस बचाना रह गया। ओके जी, कॉस टी और डी टी आ रहा था। देखो ऐसे ही जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है। ओके, कॉस का इंटेग्रल साइन टी प्लस सी, ओके टू, और साइन टी की वैल्यू रूट एक्स प्लस सी। ओके बेटा, देखो जल्दी जल्दी में कई बार ध्यान कहीं और हो जाता है ना। ओके, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। चले बेटा, करें नेक्स्ट क्वेश्चन 27। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 27। लेट अस सी नाउ व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन नंबर 27। हां जी, इंटेग्रल साइन 2x रूट, रूट दिया मैं, रूट को 1/2 लिख देती हूं, एंड कॉस 2x dx। चलिए बताइए क्या करेंगे, जल्दी जल्दी Try to participate बेटा, 17 बच्चे हो present, चलो 16 है ना, तो 16 question तो एक एक की turn सबकी आनी चाहिए ना, उसके बाद repeat होनी चाहिए, तो participate करो। चलो अपूर, अपूर वन मीट यूर सेल बेटा। हाँ जी दमन, मैं अनम्यूट की ऑप्शन दे रही हूँ। हाँ जी बेटा दमन, हंसिका, हंसिका बेटा अनम्यूट कीजिए। यस मैम। हाँ जी दमन बोलिए बेटा, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए कनुबा आप बताइए बेटा। मैम साइन 2x को टी पुट कर देंगे। बिल्कुल, आप साइन 2x को टी पुट कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है ना। या आप सीधा भी देखिए, फंक्शन की पावर n, साथ में उसका डेरिवेटिव एडजस्ट कर देते, साइन 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x, और 2 चाहिए, 2 और 2 बस हो गया ना, फंक्शन की पावर n साथ में उसका डेरिवेटिव, तो मेरे पास क्या होगा 1/2 पावर एक इंक्रीज हो जाएगी मेरे पास जो है ओवर द सेम पावर जो है मेरे पास, ठीक है 3/2 प्लस सी। ओके बेटा, पर बेटर होता है यहां ना, तुम्हें ये कंफ्यूजन रहती है कि एक्स के आगे वाले कोफिशिएंट से करना है कि नहीं करना, तो बेटर क्या होता है कि आप सब्स्टिट्यूशन से करो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, तो हम सब्स्टिट्यूशन से भी आपको करके दिखा देते। साइन 2x को t पुट किया मेरे पास हो गए, तो cos ये 2x dx is equal to dt, तो ये 2 नीचे आ गया, ये देखिए। ओके, तो अब मेरे पास इंटीग्रल t की पावर 1/2, ये 1/2 नीचे आ गया और ये dt, तो 1/2 मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, t की पावर प्लस 1 करेंगे तो 3/2 बाय 3/2। ओके बेटा क्लियर, तो मेरे पास 2 से ये 2 कट गया और t मेरे पास तो गया साइन 2x पावर 3/2 बाय 3 प्लस c। ओके क्लियर बेटा, पिछले में भी पावर एक इंक्रीज करनी थी, तो यहाँ कंफ्यूजन बच्चों को ये रहती है 2 से डिवाइड करना है कि नहीं, मतलब पिछले में, तो बेटर होता है कि आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो, कोई गलती होने के चांसेस नहीं होते बस। ठीक है बेटा जी, क्लियर। चले बेटा आगे, तो मेरे पास तो गए, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, हाँ जी मेरे पास तो है इंटीग्रल कॉस एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स।
फिर वही इसको मैं ऊपर लेके जा सकती हूँ, पावर है ना रूट, ऊपर ले जाऊंगी तो माइनस वन बाई टू, ये फंक्शन और साथ में इसका डेरिवेटिव, आराम से ऐसे, नहीं तो पुट करके कर लिया करो, कोई गलती नहीं होती इसमें, चांसेस नो डाउट कम होते हैं। तो वन प्लस साइन एक्स को टी पुट किया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये देखिए इसकी जगह डी टी आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, डी टी ओवर रूट टी, इट कैन बी रिटन एज टी पावर माइनस वन बाई टू डी टी। ओके, पावर एक इंक्रीज होगी, तो जब हम प्लस वन करेंगे तो ये कितना आएगा, वन बाय टू ओवर वन बाय टू प्लस सी, ये वन बाय टू ऊपर आ गया, तो टू टी की वैल्यू वन प्लस साइन जो है एक्स की पावर वन बाय टू, इसको रूट लिख सकते हैं प्लस सी। ओके जी, क्लियर बेटा, चलो अगला करें, मेरे पास लोग है क्वेश्चन नंबर 29। जब क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे पास, इंटीग्रल कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डीएक्स ये दिया हो, क्लियर कट है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव लूंगी ना तो वो कॉट एक्स बनेगा ही बनेगा, क्योंकि लॉग एक्स मींस वन बाय एक्स उसका, और वो एक्स नहीं है साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस ओवर साइन कॉट बनेगा। पुट करके कर लो, कभी गलती नहीं आपको लगेगी, क्योंकि कंफ्यूजन होने का डर होता है। लो जी टी किया, इसका डेरिवेटिव किया वन बाय साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स डी टी, इसका तो वन नहीं आना, तो ये क्या बन गया कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये देखिए कॉट और डी एक्स, ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो ताकि आपको पता चले कि मैंने इसको यूज कर लिया, अब बाकी क्या करना है लेटर्स। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो गए 29 को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, तो मेरे पास क्या यहाँ पर बना, आई इज इक्वल टू इंटेग्रल लॉग साइन टी को मैंने टी पुट किया और ये डी टी हो गए, तो टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी, अब टी को रिप्लेस कर दो किससे, मेरे पास लॉग साइन एक्स स्केयर बाय टू प्लस सी, ठीक है बेटा जी, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहां तक, सी दिस क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, यहां तो कोई प्रॉब्लम है तो बेटा यू कैन आस्क एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, चले बेटा आगे, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30th। अब क्वेश्चन नंबर 30th में देखिए, आराम से साइन एक्स ओवर वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स क्या करें, अब तो देख के आप बता सकते हो, 31st भी ऐसा ही है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये हम ऐसे कर चुके हैं कितना ही कुछ, देखिए जरा ध्यान से जल्दी जल्दी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, हाँ जी कोई तो बताइए 30th क्वेश्चन कैसे करेंगे, एनीवन, रसिका, सम्यंक, फतेह, काक्षी, कनुभा, हाँ जी राणा, यस राणा, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30th। ओके रसिका, राणा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, रसिका अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैम 1 प्लस cos x को t पुट कर दे, ओके राणा देयर माइट बी नेट प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड,
रसिका आप बोलिए मैडम, 1 प्लस cos x को टी पुट कर देंगे। ओके बिल्कुल करेक्ट बेटा, जो है आप जो है 1 प्लस cos x को टी पुट करोगे तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा 1 प्लस cos x को टी पुट कीजिए तो cos x का डेरिवेटिव sin x dx इज इक्वल टू dt, तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। सेम इसमें लेकिन फॉर्मूला अलग अलग लगेगा, देखो यहाँ पर 1 ओवर टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 ओवर टी होगा, वहां लॉग वाला लगेगा, वहां पावर वाला लगेगा। ओके बेटा क्लियर, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जांपल की जैसे है, मैंने तब भी आपको बताया था कि दिस वन इज इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं, सबसे पहले साइन कॉज में चेंज करो, ठीक है? तो मेरे पास जो है 1 प्लस cos x ओवर sin x dx, अब क्या करें, sin LCM लेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा sin x प्लस cos x dx। अब बेटा देखो, जो ये स्टेप बच्चे भूल जाते हैं, हम नीचे वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव की तरह एडजस्टमेंट करते हैं, बट करने से पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये हमने एग्जांपल में किया था बिल्कुल एज, वहां यहां माइनस, बट ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड नहीं करोगे तो यू विल फॉरगेट, यू आर नॉट एबल टू गेट द आंसर, कहीं ना कहीं अटक जाओगे, ठीक है? तो अब क्या करेंगे हम लोग, 1/2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, ओवर मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डीएक्स। अब नीचे एक कॉज प्लस कर दो, एक कॉज माइनस कर दो, देखना इसका बेनिफिट क्या होगा। मेरे पास हो गए 1/2 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ओवर मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस मेरे पास इधर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डीएक्स। अब इसका बेनिफिट क्या हो गया, ये कट गया 1/2 इंटेग्रल 1 dx, ये 1/2 इंटेग्रल, ये फंक्शन उसका ऊपर डेरिवेटिव है, जस्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स है ना, और कॉज एक्स का मेरे पास है माइनस साइन एक्स, तो नेगेटिव का फर्क है ना, तो क्या करो माइनस कॉमन ले लो। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो मेरे पास हो गए कॉज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉज डी एक्स, अब लॉग ऑफ फंक्शन बन जाएगा, क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस आर वेरी इजी, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज टुमारो, आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, जितने 5 क्वेश्चंस रहते हैं, 35 से मेरे पास जो है 33 से 37 तक, ऑल आर विद सब्स्टिट्यूशन, यू हैव टू डू दैट, इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टुमारो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा, ओके जी।